नमस्ते, मैं डॉक्टर आशुजीत कौर आनंद हूँ। मैं PCMH रेस्टोर हेल्थ में क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ और अवेक्षा एक होम बेस्ड प्राइमरी केयर है जिसकी मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ HIV पैलिएटिव केयर और एल्डरली केयर में है। आपने मुझसे पूछा है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और इसे घर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है ये COVID-19 के टाइम में। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम अपनी उंगली में लगाकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। और ये जैसे ही हम इसे अपने दाएं हाथ के उंगली में, बीच की उंगली पर लगाना ज़रूरी है और ये लगाने के बाद हमें कम से कम आधा मिनट वेट करना पड़ता है और ये देखने के लिए कि इसकी रीडिंग क्या है, क्योंकि एकदम ही लगाते हुए हमें बिल्कुल बराबर रीडिंग उसमें नहीं पता चलेगी। तो करीब आधा मिनट वेट करने के बाद उसमें जो रीडिंग आती है वही असली रीडिंग होती है और वो रीडिंग पता लगाने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन कितना है। और अगर ये ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कई बार ऑक्सीजन मास्क से लगाते हैं और उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये घर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिसे अगर किसी को कोविड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जिसे भी कोविड होता है उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती होना चाहिए, क्योंकि उनका इलाज अगर किसी को बहुत कम जैसे कि खाली गले में खराश है या ज़ुकाम है या बुखार है थोड़ा मामूली सा, तो वो घर पे भी उसका इलाज हो सकता है। लेकिन वो जब घर पे इलाज चल रहा हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बातचीत करते रहिए और रोज़ आपके डॉक्टर जो हैं फ़ोन पर आपको देखते रहें। आपका इलाज जो है फ़ोन पर हो सकता है डॉक्टर के साथ, लेकिन ये पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद कि आपका सैचुरेशन कितना है और आपका बुखार तो नहीं है, ये आप दिन में 2-3 बार चेक कर अगर आप अपने डॉक्टर के साथ ये बताएंगे तो आपके डॉक्टर आपका इलाज घर पे भी कर सकते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये कोविड के टाइम में अगर किसी को कोविड हो जाता है तो पल्स ऑक्सीमीटर लेना बहुत ज़रूरी है और थर्मामीटर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दो चीज़ें देखकर आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर सकें।